नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की है। याचिका में विशेषज्ञ समिति को एनईईटी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मांग की गई है। याचिका में इस परीक्षा को आयोजित करने की प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करने की मांग की गई है, जबकि इसके साथ ही दूसरी याचिकाओं में नीट की परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर आज बैठक करेंगे। शाम को 7 बजे होने वाली बैठक में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद यहां पर रहने वाले हैं। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है। एडीजी जोन, मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, सभी आईजी और डीआईजी वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे। साथ ही सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी मुख्यमंत्री की बैठक से जुड़ेंगे। आबकारी, पर्यटन और परिवहन विभाग के ऑफिसर्स को भी बैठक में आने का न्योता दिया गया है, उन्हें भी बुलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश, जो कि कानून व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हुआ है, आज कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक और बड़ी बैठक करने जा रही है। वर्चुअली ये बैठक रहेगी। शाम को 7 बजे सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक लेंगे, तो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी इसमें जुड़ेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज इटली के लिए रवाना होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह पहला विदेशी दौरा है और G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे अमीर देशों के नेता शिरकत करते हैं। इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। इस बार ये सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली के एपुलिया में हो रहा है। सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष पर विस्तार से बातचीत होने की संभावना है। तो G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी होगी। पीएम के तीसरे कार्यकाल का ये इटली का पहला दौरा, आज इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 49 लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में 41 भारतीय हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार की ओर से तत्काल कुवैत की सरकार से संपर्क किया गया और घायलों के शीघ्र इलाज के लिए कहा गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में आग लगने की दुर्घटना के मद्देनजर की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारतीय मूल के लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कुवैत में आग लगने की दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।